ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र से चिंताजनक खबरें आनी शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन वैसे तो देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में हालात ज्यादा खराब दिखाई पड़ रहे हैं। यहां 28 दिसंबर को नाइजीरिया से लौटे एक व्यक्ति की ओमिक्रॉन की वजह से मौत हो गई। हाल में नाइजीरिया से लौटे इस व्यक्ति के ओमिक्रॉन संक्रमित होने की खबर गुरुवार को मौत के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट आने पर पता चली। मौत के बाद आई रिपोर्ट के बाद ही इस बात की पुष्टि हुई कि मरने वाला शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित था। रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित 52 वर्षीय व्यक्ति पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ के अस्पताल में भर्ती था। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शख्स की मौत की वजह कोमॉर्बिडिटी को बताया है, यानी मृत शख्स कोविड के अलावा भी मधुमेह की बीमारी से ग्रसित था। मरीज की मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया है। खबरों के मुताबिक मृतक डायबिटीज से पिछले 13 साल से पीड़ित था। महाराष्ट्र में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 198 नए मामले सामने आए, जिसमें अकेले मुंबई में 190 मामले शामिल है। राज्य में कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप से संक्रमित होने वालों की संख्या अब 450 पहुंच गई है। ओमिक्रॉन मामलों में तेजी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में अब संशोधन कर गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी की। इसके मुताबिक अब शादियों में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। सरकार ने पहले 100 लोगों के शामिल होने की बात कही थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में खुले या बंद स्थानों पर आयोजनों में लोगों के एकत्रित होने की संख्या भी 50 तक सीमित कर दी गई है। पहले विवाह समारोह या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक सभा में बंद स्थानों में 100 और खुले स्थानों पर 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश में यह भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार में भी केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्वीकार किया कि राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में जिन लोगों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं रही है, वे भी अब ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में अब ग्रैब के तहत पाबंदी नहीं लगेगी। इसके लिए फैसला DDMA की बैठक में होगा। मंत्री ने राजधानी में बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों को लेकर कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पहले फ्लाइट रोक दी होती तो दिल्ली में ओमिक्रॉन नहीं फैलता। जैन के मुताबिक दिल्ली में अब तक एक भी ओमिक्रॉन का मरीज ICU में नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।